नमस्कार, ओम शांति। मैं हूं श्रेया और आप देख रहे हैं पीस न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। प्रशासन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए संस्था के प्रशासन प्रभाग का प्रयास जारी। जोधपुर, नागौर, बालोतरा, जालोर और पोखरण में संगोष्ठियों का आयोजन। आज एक नजर में होंगी ब्रह्म कुमारी से जुड़ी गतिविधियों की ढेर सारी खबरें। और वर्ल्ड पीस एंड प्रेयर डे को लेकर वॉशिंगटन डीसी स्थित मेडिटेशन म्यूजियम द्वारा ऑनलाइन प्रोग्राम। मेडिटेशन द्वारा आंतरिक चेतना से जुड़ने का संदेश। अब खबरें विस्तार से। संस्था के प्रशासन प्रभाग द्वारा चलाए जा रहे अभियान प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए आध्यात्मिकता के तहत कार्यक्रम और सम्मेलनों का आयोजन करके प्रशासन प्रभाग अपने तय किए गए लक्ष्यों की ओर बढ़ रहा है। इसी अभियान के चलते जोधपुर के सरदारपुरा सेवा केंद्र पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पीएफ ऑफिस के कमिश्नर राजेश मीणा, उम्मीद हॉस्पिटल के उप अधीक्षक डॉक्टर विनय अभिचंदानी, ICICI बैंक के चीफ मैनेजर जालिम सिंह राठौर शामिल हुए। प्रशासन प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बी के हरीश ने सम्मेलन का आगाज करते हुए कहा कि आप प्रशासकों को तनाव मुक्त बनने के लिए अपनी व्यस्त दिनचर्या में से कुछ देर साइलेंस में रहने का अभ्यास करना चाहिए। के पश्चात जालिम सिंह राठौर और राजेश मीणा जी ने ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ने के बाद उनके जीवन में आए सकारात्मक परिवर्तनों को साझा किया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रभाग के सदस्य और सरदारपुरा सेवा केंद्र प्रभारी बीके फूल और चौपासनी हाउसिंग बोर्ड सेवा केंद्र प्रभारी बीके शील दीदी ने भी महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर सबका ध्यान खिंचवाया। इसी क्रम में अभियान के तहत नागौर में नगर परिषद सभागार, जालौर में रिजर्व पुलिस बल, बालोतरा में SDM ऑफिस और पुलिस थाने, पोखरण में नगर पालिका सभागार में भी कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसमें प्रभाग के सदस्यों ने प्रशासन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए प्रशासकों से अपने दिनचर्या में राजयोग मेडिटेशन को शामिल करने की अपील की। स्वर्णिम भारत की पहचान आत्मनिर्भर किसान अभियान के अंतर्गत किसानों को आत्मनिर्भर बनने की विधि सिखाने के लिए संस्था के ग्राम विकास प्रभाग द्वारा निकाले गए आत्मनिर्भर किसान अभियान को छतरपुर के किशोर सागर सेवा केंद्र से शिव ध्वज दिखाकर रवानगी दी गई, ताकि अभियान द्वारा किसानों को खेती की वो आधुनिक तकनीक बताई जाए जिससे किसान आत्मनिर्भर बन सके। इस उद्घाटन समारोह में एग्रीकल्चर विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर BP सूत्रकार, एयरपोर्ट AGM सौरभ यादव समेत कई अधिकारीगण मौजूद रहे, जिन्हें संबोधित करते हुए छतरपुर के प्रभारी बीके शैलजा ने अभियान के विषय में जानकारी दी। ये ग्राम सेवा अभियान का शुभारंभ कर रहे हैं। ये ग्राम विकास एक ऐसा प्रभाग है ब्रह्मा कुमारी का, जिसके द्वारा हम पूरे देश को कवर कर सकते। वैसे भी कहते हैं कि 70% से ज्यादा आबादी गांव में बसती है, और जो लोग शहर की तरफ भी आ गए हैं, चाहे जिस भी बिजनेस या जिन भी कारणों से, लेकिन उनकी जैसे कहते हैं आत्मा गांव में ही बसती, मूल घर जो है गांव के पैतृक निवास के नाम पर गांव है। इसलिए अगर हम अधिक से अधिक बाबा की सेवा को कवर करना चाहते हैं, हर एक आत्मा तक भगवान का संदेश पहुंचे, तो वो गांव सेवा अभियान के माध्यम से ही हम कर सकते हैं। अब कुछ खबरें एक नजर में। जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन पर ब्रह्मा कुमारीज द्वारा व्यसन मुक्ति आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी, नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन। टाटानगर रेलवे स्टेशन निदेशक रघुवंश कुमार और सहायक निदेशक सुनील कुमार ने किया अवलोकन। जुगसलाई सेवा केंद्र प्रभारी बीके रागिनी ने अतिथियों को समझाई चित्र प्रदर्शनी। मुंबई के मलाड में सीनियर सिटीजन के लिए विशेष कार्यक्रम। मलाड सेवा केंद्रों के प्रभारी बीके कुंती ने परिवार में सामंजस्य बनाने के लिए टिप्स देते हुए राजयोग मेडिटेशन का प्रशिक्षण लेने के लिए किया प्रेरित।
देखिए शोभा ने वरिष्ठ नागरिकों को अपनी खूबियों द्वारा समाज में कुछ नवीन कार्य करने की कही बात। रेजिडेंट इंडिया के डायरेक्टर के गुप्ता भी कार्यक्रम में रहे उपस्थित। अरुणाचल प्रदेश के तेजू स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर कोरोना वॉरियर्स के लिए सम्मान समारोह। जोनल हॉस्पिटल के पूरे स्टाफ को किया सम्मानित। लोहित के भाजपा अध्यक्ष बदांग कायंग और एसपी समेत शहर की कई जानी मानी हस्तियां रही कार्यक्रम में उपस्थित। जबलपुर के कटंगा कॉलोनी सेवा केंद्र पर मेरा भारत व्यसन मुक्त भारत थीम पर जागरूकता कार्यक्रम। जीसीएफ के ब्रिगेडियर बिमलेंदु महापात्र, नवज्योति नशा मुक्ति केंद्र के संचालक हेमंत सोलंकी, कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कावेरी साह मुख्य अतिथि के तौर पर हुए शामिल। सेवा केंद्र प्रभारी बीके विमला ने राजयोग मेडिटेशन द्वारा व्यसन मुक्त बनने की दी जानकारी। अतिथियों ने तनाव को बताया युवाओं में नशे की लत का प्रमुख कारण। ग्वालियर में चिकित्सा प्रभाग, स्थानीय लश्कर सेवा केंद्र और सिम्स हॉस्पिटल द्वारा निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर। 170 लोगों ने कराई अपनी सेहत की जांच। मीर पैथोलॉजी द्वारा भी ब्लड शुगर एवं कोलेस्ट्रॉल की निशुल्क जांच। सिम्स हॉस्पिटल के चिकित्सा टीम की निगरानी में आयोजित रहा पूरा शिविर। लश्कर सेवा केंद्र प्रभारी बीके आदर्श एवं राजयोग शिक्षक बीके प्रहलाद रहे उपस्थित। बेटियों के सशक्तिकरण के प्रति यूपी के हाथरस में जागरूकता कार्यक्रम। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार वैद्य, वामा सारथी पुलिस फैमिली वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष विभा वैद्य, भारतीय नागरिक कल्याण एवं अपराध निरोधक समिति के सचिव अधिवक्ता हरीश शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर हुए शामिल। आनंदपुरी कॉलोनी सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका बीके शांता ने कहा कि व्यक्ति का वास्तविक सशक्तिकरण अध्यात्म और मेडिटेशन से होता है, क्योंकि उसके अभ्यास से आंतरिक गुण और शक्तियां जागृत होती है। वडोदरा के अटलादरा सेवा केंद्र पर ग्राम विकास प्रभाग का भव्य सम्मेलन। खेती किसानी से जुड़े 600 लोग हुए शामिल। कलेक्टर ए बी गोर, जाइडेक्स कंपनी के सीईओ डॉक्टर अजय रांका, जिला पंचायत प्रमुख अशोक भाई पटेल, जिला पंचायत अधिकारी नितिन वासवा, आत्मा प्रोजेक्ट के डायरेक्टर जितेंद्र चार्ले, नाबार्ड बैंक के रीजनल मैनेजर राजेश दवे समेत कई बुद्धिजीवी लोग सम्मेलन में रहे उपस्थित। प्राकृतिक खेती, संकल्पों में आध्यात्मिकता और बायो फर्टिलाइजर अपनाने का बुद्धिजीवियों ने दिया सुझाव। गांव-गांव में जागरूकता फैलाने के लिए तैयार किया विशेष रथ। ग्राम विकास प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके तृप्ति, अटलादरा सेवा केंद्र प्रभारी बीके अरुणा समेत अतिथियों ने रथ को दी रवानगी। दया एवं करुणा के लिए आध्यात्मिकता थीम पर हरियाणा के कादमा में कार्यक्रम। ज्ञानामृत पत्रिका के सह संपादिका बीके उर्मिला रही कार्यक्रम के मुख्य वक्ता। बीके उर्मिला ने कहा कि अध्यात्म के अभ्यास से जागृत होता है दया एवं करुणा का भाव। जोंजू कला क्षेत्र प्रभारी बीके वसुधा ने दया एवं करुणा संकल्प प्रोजेक्ट की दी जानकारी। मध्य प्रदेश के मंडला सेवा केंद्र पर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए विशेष प्रोग्राम। सेवा केंद्र प्रभारी बीके ममता ने देश के आर्थिक विकास में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बताई महत्वपूर्ण भूमिका। चित्र प्रदर्शनी द्वारा समझाया आध्यात्मिक ज्ञान के गुह्य रहस्य। कार्यक्रम के अंत में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने सुनाए अपने अनुभव। राजयोग मेडिटेशन का प्रशिक्षण लेने की जताई मंशा। अंबिकापुर में नवा बिहार अभियान के अंतर्गत कार्मेल स्कूल में नशा मुक्ति कार्यक्रम। सरगुजा संभाग के प्रभारी बीके विद्या रही कार्यक्रम के मुख्य वक्ता। सरगुजा महानिरीक्षक अजय यादव के द्वारा चलाया जा रहा है नवा बिहार अभियान। पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला, उप पुलिस अधीक्षक प्रशांत देवांगन और स्कूल के प्रिंसिपल समेत पूरा स्टाफ भी रहा कार्यक्रम में उपस्थित। बीके विद्या ने बच्चों से विद्यार्थी जीवन में कुसंग से बचने की सलाह देते हुए पढ़ाई का नशा रखने की बात कही। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि छात्र जीवन में ही आजकल बच्चे नशे की लत का शिकार हो रहे हैं, जिसके दुष्प्रभाव उन्हें भुगतने पड़ते हैं। इसीलिए आप बच्चों को सदैव नशे से दूर रहना है। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत की। ग्लोबल अनसर्टेनिटी के इस दौर में हमें अपने आंतरिक और बाह्य जगत के संबंधों को लेकर गहरी समझ विकसित करने की जरूरत है, और इसका एकमात्र साधन है मेडिटेशन। यही संदेश देने के लिए वॉशिंगटन डीसी से मेडिटेशन म्यूजियम के डायरेक्टर बीके जैना ने एक ऑनलाइन पब्लिक इवेंट का आयोजन किया, जिसमें दुनिया भर की कई जानी मानी हस्तियां कनेक्ट हुई और अपने विचार साझा किए। चलिए आपको दिखाते हैं चर्चा के कुछ अंश। There are millions of people doing physical postures, and today we did the spiritual posture.
of connecting our thoughts to God's light and bringing that peace and that power presently on the planet. Baba's words, very beautiful words, are love all, serve all. So if we can take that and live that axiom of life together as one, love all and serve all, what a world that we shall create together. शरीर को स्वास्थ्य और मन को शांति प्रदान करने का माध्यम है योग। योग के अभ्यास से तन और मन के सारे काम सहज हो जाते हैं, इसीलिए इसकी लोकप्रियता आजकल विदेशों में भी देखने को मिल रही है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मंगोलिया में भारतीय दूतावास ने मंगोलियाई योग संघ के सहयोग से उलनबतौर यूनिवर्सिटी में योग पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें मंगोलिया स्थित राजयोग मेडिटेशन सेंटर ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यूनिवर्सिटी के खेल परिसर में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ मंगोलिया में भारतीय राजदूत महामहिम एमपी सिंह ने अपने स्वागत भाषण से किया। इसके पश्चात बीके इन्ना किम के मार्गदर्शन में बीके सदस्यों ने राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कराया। ऐसे उलनबतौर की प्रसिद्ध इमारत ब्लू स्काई में आयोजित भव्य कार्यक्रम में बीके इन्ना ने लाइफ इन हार्मनी विद राजयोग मेडिटेशन विषय पर मेडिटेशन करने का तरीका सिखाया। इसके पश्चात शाम को आयोजित योग रेव पार्टी में भी बीके सदस्यों ने भाग लिया। हमें न्यूज भेजने के लिए peacenews@godlywoodstudio.org पर मेल करें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, और नई खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए लेते हूँ इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।